ਹੇ ਗਾਇਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਦੀਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਮੇਕਅਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵਿੰਗ ਆਈਲਾਈਨਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਬਟ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ओके गाइज आज द ट्यूटोरियल असं स्टार्ट कर लगे हाँ सब तो पहला मैं फेस नू अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लिया अपने मॉइस्चराइजर ना तो सब तो फर्स्ट स्टैप अगर तुम चाहते हैं कि ता जरा मेकअप है जरा उत्ते डिपेंड करता सारा बेस के उत्ते है ना तो बेस एकदम फ्लॉ होना चाहिए फिर वो जो मेकअप है एकदम फ्लॉलैस है ना वह एकदम स्मूथ जरा आता है ना तो हूँ मैं सब तो पहला यूज़ कर रही हाँ अपनी फाउंडेशन जो कि मैं मेबलीन की यूज़ कराँगी आई देख रहे हैं फिट मी मेबलीन मैं शेड 220 यूज़ करती हाँ तो चलो हूँ असी फाउंडेशन यूज़ करते हैं ब्यूटी ब्लैंडर मैं लै लिया जिन्होंने डैम किया होया पूरा अगर तुम ब्यूटी ब्लैंडर जरा डैम यूज़ करते हो तो जी जो फाउंडेशन जी अपलाई करते हो बहुत ही वधिया अपलाई होंगी है ना अगर तुम ड्राई करते हो उसका एक डिसएडवानटेज ये है कि उस दे नाल तुहाडा जिहड़ा फाउंडेशन है वह मोस्टली जिहड़ा प्रोडक्ट है तुहाडा वह इहदे विच रह जांदा है ने ब्यूटी ब्लैंडर दे विच रह जाएगा दैन वह फेस के उत्ते इन्ना प्रॉपर अपलाई नहीं हो सकेगा ना तो मैं थोड़ी कि क्वांटिटी लिती हुई है क्योंकि असीं डेली जिहड़ा रूटीन मेकअप उहदी अज वीडियो बना रहे हैं तो मैं इहनूं अच्छी तरह ब्लेंड कर लाँगी इस तरह तुसीं चाहो तो जरा राइट वे वैसे जी फाउंडेशन है साड़ी वो साढ़े डार्क सर्कल्स लिए नहीं हैगी ना जो अंडर आई डार्क सर्कल वो कंसीलर है बट मैं ट्राई मैं इन्हों यूज़ कर लेंदी हाँ क्योंकि मेरे अंडर आई डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है और ये नेचुरल है नॉर्मली बच्चे जो होंगे ने मदरस नू आ प्रॉब्लम होंगी है मोस्टली सारी ममा नू ही होंगी है बिफोर मैरिज किसी किसी को होता है जो स्ट्रेस लेंदे ना स्टडीज रिलेटेड जो कुछ इस तरीके नाल इनू ब्लेंड कर लिया लो जी सारे जड़े मार्क्स स्कैर से हो गए साढ़े कवर बढ़िया चीज़ बनाई है बनाने वाले ने भी फाउंडेशन इस तरीके नाल अप्लाई कर लिया दैन उसके बाद असी यूज़ कर रहे हैं अपने अंडर आईज जो डार्क सर्कल है उन्होंने असी अंडर आई सर्कल जड़े उन्होंने कवर करने लिए कंसीलर मैं यूज़ कर रही है रिवेल का आई देख सकते हैं रिवेल का तो मैं यूज़ कर रही हाँ उसके बाद देखते हैं साढ़े अंडर आईज डार्क सर्कल किन्ने कवर होंगे आ क्योंकि मैं पहले काफ़ी दूसरे भी यूज़ किए हुए ना और इसका फर्स्ट ईयर थोड़े सामने ही मैं कर रही हूँ यूज़ इन बस मैं लगता इतने इतने ही मेरे थोड़ी जी जिदा हैगी डार्क तो उसके लिए मैं छोटा ब्लेंडर मेरे को है हाँ जी अपने कंसीलर ब्लेंड करने बाद हूँ असी अपना जोड़ा मेकअप है इसनों सैट करांगे पाउडर नाल और पाउडर ने सैट करने लिए मैं ब्रश का सैट जरा अपने मेकअप ब्रशेज का सैट ऑनलाइन मंगवाया सीगा हूँ मैं मेकअप में सैट करने लिए जरा लूज पाउडर यूज़ कर रही हाँ और आ वाला ब्रश जरा मैं यूज़ कर रही हाँ पाउडर ब्रश उसके बाद पाउडर जरा मैं यूज़ कराँगी ए वाला है रिवेल आई शेडो यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट जो मैं यूज़ करा वो फैब फैक्टरी का आ भी मैं अमेजोन तो ऑर्डर किया उसके बाद मैं शेड लै रही हूँ ब्राउन डार्क ब्राउन शेड यूज़ करा मैं आ वाला सब तो पहले डार्क शेड लेके देन मैं मे कोई अच पार्टी वाली लुक नहीं क्रिएट कर रही इस करके डार्क शेड जोड़ा है इसमें अप्लाई कराँगी मैं हाँ तुम क्लोजअप लुक देख सकते हो इसकी
इस तरीके नाल कर लिया ब्लेंड। उसके बाद मैं आ शिमरी जड़ा डार्क ब्राउन आ यूज कर रही हाँ टॉप ते एवला और फिंगर दी हेल्प नाल मैं इन्हें अप्लाई कर दांगी इस तरीके नाल। देन उसके बाद असी अप्लाई कर रहे हैं लाइनर जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का सुपर लास्ट आईलाइनर डीप ब्लैक 18R। आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ हाँ जी। आईलाइनर अप्लाई करने के बाद आ तुसी देख सकते हैं विंग आईलाइनर जो कि मैं क्रिएट किया है इस साइड तो आई थिंक थोड़ा जा इनो कि हो गया थोड़ा जा मैं क्यों ना क्यू टिप नाल मैं कर लूँगी इसमें ठीक। उसके बाद लाइनर अप्लाई करने के बाद असी यूज़ कर रहे हैं मस्कारा वो भी मैं एसेंस से यूज़ कर रही हूँ आई लव एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा आ मैं यूज़ कर रही हूँ आई लैशेस थे। बट लोअर लैश लगाने तो पहले से यूज़ कर रहे हैं एसेंस का लॉन्ग लास्टिंग आई पेंसिल हाँ तो देख सकते हैं आ यूज़ कर रहे हैं सी लोअर लैश लाइन बटर लाइन थे। हाँ जी असी आई के उत्ते कर लिया लोअर लैश के उत्ते मस्कारा यूज तुसी यहाँ आईज का देख सकते हैं क्लोजअप। उसके बाद अपने फेस नू थोड़ा या ग्लोई बनाने लिए स्किन नू क्योंकि मैं ऑलरेडी HD पाउडर ने सेट किया होया मैट सी फिनिश आएगी। अगर तुसी लुक लाइक कर देंगे तो फेस जो थोड़ी जी स्किन ग्लोई लगे तो तुसी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर तो एसेंस का यूज़ कर रही हूँ मैंने काफ़ी जने की रिक्वेस्ट है कि एसेंस के प्रोडक्ट्स यूज़ करके वीडियो बनाओ आ तुसी देख सकते हैं एसेंस का हाईलाइटर। हाँ जी असी यूज़ कर रहे हैं वाला फैन ब्रश हाँ तुसी देख सकते हैं इस दी हेल्प ना एस्पेशली बने ही हाईलाइटिंग वास्ते हैं इस एरिया नू हाईलाइट कर रही है मैं चीक बोन देन बहुत बढ़िया पिगमेंट है इस ते ना पिगमेंटेशन बहुत बढ़िया है आ हाईलाइटर दी देन नो स्टेप थोड़ा जा लिपस्टिक लगाने पहले मैं हमेशा लिप लाइनर पेंसिल यूज कर दी हाँ आ मैं कर रही हाँ डेविस कॉस्मेटिक थी आ भी मैं अमेजोन तो ऑर्डर की थी सी आई डोंट नो कि विजिबल हो रही है स्क्रीन पे या नहीं। बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं सारे प्रोडक्ट्स शेयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देवांगी डिटेल्स। हाँ जी लिप लाइनर यूज करने के बाद मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ एसेंस थी इसका शेड हैगा Euro 8 डेयर्स यू जिसके उत्ते मैं स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है जिसने नहीं देखी हुई मेरी लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। आ बहुत ही प्यारा शेड जो कि मेरी ड्रेस ना प्रॉपर जाएगा। हाँ जी गाइज लिपस्टिक अप्लाई कर ली असी तुसी देख सकते हैं फाइनल लुक जो कि डेली रूटीन मेकअप दी है। तुसी चाहो तो लाइट जड़ा लिप शेड यूज कर सकते हो मैं आज थोड़ा डार्क यूज किया है क्योंकि ड्रेस नाल ही हो जाएगा। उसके बाद असी बेयर करांगे अपने ईयर रिंग्स क्योंकि असी जावांगे बाहर घूमी घूमी आ वाले ईयर रिंग्स इस नाल भी बेयर कर ले जो कि मैं मंगवाए थे शीन तो आजकल बहुत चल रही है जो
लो जी हुण इस दे नाल असीं करांगे बिल्कुल सिंपल जे हेयर स्टाइल। हाँ जी, इस तरीके नाल असीं हेयर कॉम कर ले, सेंटर पार्टीशन बना लिया उसका। उस दे बाद दो क्वेश्चन शेयर लेते, दैन इस तरीके नाल मैं हुण ट्विस्ट करी जावांगी। हाँ, सिंपल जो हेयर स्टाइल जो मैं किया हुआ तुसी देख सकते हैं। आई होप कि तुसी सारे आ वीडियो बहुत पसंद करोगे, तुसी सारे ने कमेंट करके जरूर दसना है तुहानू किदां दा लगा। बाकी नैक्सट वीडियोज़ दे विच असी होर सारी लुक लेके आवेंगे, पार्टी मेकअप तो लेके आवेंगे। ये सीगा रूटीन मेकअप जो कि मैं विंकल आईलाइनर ना क्रिएट किया, तुसी चाहो तो नॉर्मल काजल भी अपलाई कर सकते हैं। तो तुम इस वीडियो में बहुत सारा प्यार देना, लास्ट लिपस्टिक लिप शेड वाली वीडियो में तुम बहुत प्यार दिता। हूँ नैक्सट वीडियोज़ जो मैं लेके आवाँगी फैमिली के भी रिलेटिड होनगियाँ, मेकअप के रिलेटिड भी होनगियाँ। हो सके तो मैं तुम्हें मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे एक छोटा जहा ब्लॉग बना के उस दसाँगी, मेकअप स्टोर में जाके ना ड्रग स्टोर में जाके उत्थे जाके मेकअप के बारे तुम दसाँगी मैं नैक्सट वीडियो में। तो अज वाली वीडियो इन्ना सीगा। ओके जी, तुम सारे ने हैल्दी रहना है, ओमिक्रोन बहुत ज़्यादा फैल चुके वर्ल्ड वाइड, तुम सारे ने हैल्दी रहना है, तो रब तुहानू सारयां नू ठीक ठाक रखन। ओके जी, आंदे जल्दी ही नैक्सट वीडियो लैके। सत श्री अकाल जी, रब राखा।